नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास प्रोग्राम संग ध्वनि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। आज हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। पूरी दुनिया में महात्मा बुद्ध को सत्य की खोज के लिए जाना जाता है। राजसी ठाट बार छोड़कर सिद्धार्थ 7 सालों तक सच को जानने के लिए वन में भटकते रहे। उसे पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं और सत्य को खोज निकालते हैं। फिर उस संदेश को पूरी दुनिया तक ले जाते हैं, सबको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, सृष्टि को समझने की एक नई नजर पैदा करते हैं, दुखों का कारण और निवारण बताते हैं। ऐसी महान आत्मा जिन्हें आज भगवान बुद्ध कहा जाता है, उनका जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इसी कारण वैशाख मास की इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा का संबंध बुद्ध के साथ केवल जन्म भर से का नहीं है, बल्कि इस पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ। कह सकते हैं कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया में एक नई रोशनी पैदा की और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कुल मिलाकर जन्म, सत्य का ज्ञान और महापरिनिर्वाण के लिए भगवान गौतम बुद्ध को एक ही दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आराध्य नहीं है, बल्कि उत्तरी भारत में गौतम बुद्ध को हिंदुओं में भगवान श्री विष्णु का नवा अवतार भी माना जाता है। विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है। दक्षिण भारतीय बलराम को विष्णु का 8वां अवतार तो श्री कृष्ण को 9वां अवतार मानते हैं। हिंदुओं में भी वैष्णवों में बलराम को 8वां अवतार माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के विष्णु के इस अवतार को नहीं मानते। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बावजूद वैशाख पूर्णिमा का दिन बुद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं द्वारा भी पूरी श्रद्धा व भक्ति के लिए बुद्ध पूर्णिमा खास पर्व है। कहाँ कहाँ मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, आइए जानते हैं। वर्तमान में पूरी दुनिया में लगभग 180 करोड़ लोग बुद्ध के अनुयायी हैं। भारत के साथ साथ चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया के कई देशों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। भारत के बिहार राज्य में स्थित बोध गया बुद्ध के अनुयायियों सहित हिंदुओं के लिए भी पवित्र धार्मिक स्थल है। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1 माह तक मेला लगता है। श्रीलंका जैसे कुछ देशों में इस उत्सव को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं। बौद्ध अनुयायी इस दिन अपने घरों में दिए जलाते हैं, फूलों से घर सजाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। इस दिन स्नान दान का भी वैशाख पूर्णिमा को महत्व माना जाता है। तो यह तो थी जानकारी बुद्ध पूर्णिमा की। अगले हफ्ते फिर से किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।